चेहरा उनका तहज्जुद गुजार, 5 वक्त नमाज के पाबंद, बहुत मालदार थे। कहने लगे दिल में सुकून नहीं है। मैंने कहा क्यों, कोई परेशानी है, कोई माली परेशानी है? कह रहे नहीं, मेरी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत दौलत है, अल्लाह ने मुझे बड़ा पैसा दिया। मैंने कहा फिर कोई बीमारी है? कह रहे नहीं, बीमारी भी नहीं है। कह रहे पता नहीं क्यों सुकून नहीं है। मैंने कहा मैं बताऊं क्यों सुकून नहीं है, आपके पास पैसा है, जेब में भी है, साथ साथ दिल में भी है। पैसा जेब में होने के साथ साथ बोलते क्यों नहीं भाई, जेब में हो तो ठीक है, दिल में नहीं होना चाहिए। किश्ती के ऊपर बैठोगे, किश्ती पानी के ऊपर रहेगी तो फायदा पहुंचाएगी, किश्ती के अंदर पानी आना शुरू हो गया तो फायदे के बजाय क्या होगा, नुकसान होगा ना। तो मैंने कहा ये जो पैसा आपके दिल के अंदर है ना, इसको दिल से निकालो। आपको हर वक्त डर लगा हुआ है, लाशौरी खौफ है हर वक्त लोगों को, एक खौफ है हर आदमी को। आप किसी की भी हिस्ट्री चेक करेंगे ना, घुसेंगे उसके दिल में, झांक के देखेंगे, उसका माजी देखेंगे, हालात देखेंगे, तो आपको पता चलेगा अनहोनी खौफ। एक खौफ तो वो होता है जो वाकई हो, और एक होता है खामखा का खौफ, पता नहीं क्या हो जाएगा कल। कि खामखा का खौफ जो है लोगों को खा रहा है, अंदर से घुला रहा है, डिप्रेशन का मरीज बना रहा है। हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे कि एक गुरु होते थे ना पहले जमाने में, और पता नहीं तीली होता था, तीली होता था क्या होता था, चेला होता था, एक गुरु, गुरु का चेला। तो गुरु और चेले जो है वो जा रहे थे जंगल में, जा रहे थे तो गुरु ने चेले से कहा कि डर लग रहा है मुझे। चेले होते हैं ना वो गुरु को मशवरे देते हैं। तो उसने कहा क्यों डर लग रहा है, ना तो यहां शेर है ना जिन है ना चुड़ैल है, पता नहीं क्यों डर लग रहा है आपको। फिर आगे जाके कहा मुझे डर लग रहा है बहुत। उसने कहा कि क्यों डर लग रहा है भाई, यहां तो कुछ भी नहीं है, कोई खतरा नहीं है। फिर थोड़ा आगे गए तो गुरु ने कहा कि मुझे क्या लग रहा है, डर लग रहा है। चेले ने कहा तलाशी होगी आपकी। तलाशी निकली तो एक अशरफी अंदर से दरियाफ्त। उसने कहा इसको उठा के फेंक दो, डर लगना। बोलो भाई, उठा के फेंक दी। अब बड़े हंसी खुशी दोनों की जिंदगी गुजर रही, बड़े आराम से जा रहे। उसको डर ये लग रहा था कि कहीं है किसी को पता ना चल जाए कि मेरी जेब में क्या है। तो उलमा ये नहीं कहते कि वो अशरफी जेब से उठा के फेंक दें, जेब से उठा के फेंकेंगे आगे जरूरत पड़ गई तो भीख मांगनी पड़ेगी लोगों के सामने। जेब से ना निकाले मगर दिल से बोलने पर देखो गवर्नमेंट की तरफ से एक ही चीज रह गई है जिस पर टैक्स नहीं है, इसलिए बोलने में कंजूसी से काम न लिया करें। तो वो मुझे कहने लगे कि, और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, हर आदमी का है यार, एक ऐसा खौफ है उसके ऊपर कि उसको खुद भी नहीं पता कि क्यों खौफ है मुझे। सब कुछ सेट चल रहा है फिर भी खौफ, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, हाई ये ना हो जाए, हाई ये ना हो जाए, हाई ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, बच्चे की टांग ना टूट जाए, बेगम का सर ना पड़ जाए, मेरा बेगम के जरिए सर ना पड़ जाए बेलन से, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे मेरी फैक्ट्री बंद ना हो जाए। तो वो मैंने उनसे कहा कि आपको क्या है, दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत, ये दौलत जेब में नहीं है, जेब के साथ साथ दिल में भी। तो मैंने कहा जब तक इसको दिल से नहीं निकालोगे पैसा तो बहुत आएगा, सुकून कभी भी नहीं आएगा। अब दिल से निकालना बड़ा मुश्किल है गरीब आदमी के लिए, दौलत की मोहब्बत दिल से निकालना आसान है, क्योंकि जिस चीज के साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजरा होता उससे मोहब्बत इंसान को ज्यादा नहीं होती। गरीब आदमी ने दौलत ज्यादा देखी नहीं होती, वो अय्याशियां देखी नहीं होती, उसके दिल से पैसे की मोहब्बत निकालना आसान है। जिसके दिल जो दौलत में ज्यादा रहा हो उसके दिल से दौलत की मोहब्बत निकालना मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। लेकिन अगर वो अपने इलाज के लिए जहनी तौर पर तैयार हो जाए तो फिर ये काम मुश्किल नहीं है बल्कि मजेदार बन जाता है। दौलत की मोहब्बत निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, वो तो हर आदमी के अपने हालात होते हैं, अहलुल्लाह को बताए जाते हैं, वो आपको मशवरा देंगे ये करो ये नहीं करो।
حقیقی اللہ والے سے تعلق قائم کیا جاتا ہے تو وہ اصل بتاتے ہیں کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت کیسے نکلے گی. اصل تو وہ ہے, لیکن جب تک وہ نہیں ہے تو ایک بخار کسی کو بھی ہو تو پیناڈول سب کے لیے کام آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بھائی ڈاکٹر کہتا ہے اس کو دو گولی پیناڈول تو کھلا, پھر اسپتال لے آنا, پھر دیکھیں گے بخار ہوا کیوں. تو وہ پیناڈول ہے وہ تو سبھی کھا سکتے ہیں, اس سے دولت کی محبت کی جو شدت ہے, جو 104 بخار ہے وہ 99-98 پہ نہیں بھی آیا تو کم از کم 100 پہ آئی جائے گا. ٹیمپریچر کم انشاءاللہ ہو جائے گا, برف کی سلے ہٹانی پڑ جائیں گے, ورنہ بہت زیادہ بخار ہوتا ہے نا 106 تک پہنچتا ہے, برف کی سلوں پہ لٹانا پڑتا ہے. اتنا ہوگا کہ کلینک خود اپنے پاؤں پہ چل کے جا سکے. اس کا دو چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں, دو کام کرنے کے ہوتے ہیں, ایک تو سوچنے کی ہے اور ایک عمل کرنے کا ہے. اب آپ کہیں گے بھائی عمل کا چھوڑو سوچنے کا بتا دو, سوچنے میں تو کچھ خرچ نہیں ہو رہا نا, کیا خیال ہے؟ تو صرف سوچنے سے کام نہیں چلے گا, ایک کام ایسا ہے جو کرنا بھی پڑے گا. سوچنے کا کام پہلے بتا دیتا ہوں. سوچنا یہ ہے روزانہ 5-10 منٹ بیٹھ کر یہ سوچنا ہے, اپنے نفس سے خطاب کرنا ہے اپنے آپ کو. دوسروں کو تو سارا دن بیٹھ کے سمجھاتے رہتے ہیں نا, ابے یہ کر لے, ابے یوں کیا کر, ابے تم یہ ملک میں غلط ہو رہا ہے, وہ فلاں تنظیم نے یہ بیان دیا, اس کے لیڈر نے یہ غلط بیانی سے کام لیا, مہنگائی بڑھ رہی ہے, پولیس کو دیکھو کیا کر رہی ہے, فوج کو دیکھو کیا کر رہی ہے. سارا دن بیٹھ کے دوسروں کے عیب ہم نکالتے رہتے ہیں. تو رات کو یا صبح کسی بھی وقت 5-10 منٹ بیٹھ کے اپنے عیب نکال لیں کہ ابے تو ابے 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 تبے کر کے بات کرنی ہے. آپ تمیز سے بات کرو گے کوئی بھی آج کے زمانے میں؟ او بھائی کوئی تمیز سے بات سمجھتا ہے؟ اپنے آپ سے جب بات کرو تو کیسے ابے تبے کر کے بولے, تو بھائی تو 30 سال کا ہو گیا, تو 40 سال کا ہو گیا کہ مرے گا نہیں ہے؟ ایسے کس سے بات کرنی ہے؟ ابا کو نہ سمجھانا شروع کر دیں اسے, اپنے آپ کو. او بھائی تو 30 کا ہو گیا, 40 کا ہو گیا, رہ کتنے گئے؟ 20 رہ گئے, 30 رہ گئے, بہت زیادہ. کتنا ٹائم لگتا ہے زندگی گزرنے میں؟ ایسے کھٹ 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 دن گزر رہے ہیں. بقرعید آتی ہے دوبارہ فوراً بقرعید, رمضان ابھی گزرا تھا, دوبارہ رمضان کے بہارے آنا شروع. ایسے ٹھک ٹھک زندگی گزر رہی ہے. یہ جو گھڑی میں سیکنڈ کی آواز ہوتی ہے نا, ٹک ٹک ٹک, اس کو بیٹھ کے سنا کریں. دیتا ہے تجھے فریاد غافل ہے منادی, وہ کیا ہے اگلا مصرع؟ ایک سمت زندگی کی یہ گھڑی کی پتنی ایک اور گھٹا دی, جس طرح کا شعر ہے کہ یہ جو گھڑیال ہے نا گھڑی, اس کی جو ٹک ٹک ہے یہ آپ کو اصل میں میسج دے رہی ہے کہ تمہاری زندگی ٹک ٹک کر کے کم ہو رہی ہے. ٹک ٹک ٹک, جتنے لاکھ کروڑ سیکنڈ لے کر آئے تھے وہ سیکنڈ ایک ایک کم کر کے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم. وہ سیکنڈ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. سوئی جو گھوم رہی ہے نا, یہ جو سیکنڈ والی, یہ اصل میں اللہ نے ہر ایک کے لیے لکھی ہوئی ہے کہ اس کی زندگی میں یہ سوئی اتنے کروڑ دفعہ گھومے گی, اس کی زندگی میں اتنے لاکھ دفعہ, اس کی زندگی میں اتنے ہزار دفعہ. تو یہ جب سوئی گھوم رہی ہے ایک چکر مکمل کرتی ہے تو ان ایک کروڑ میں سے ایک کم ہو گیا, پھر دوسرا کم ہو گیا, تیسرا کم ہو گیا. آپ 50 فیکٹریوں کے مالک بن جاؤ, گھڑی کی اس سوئی کو آپ نہیں روک سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو بھائی چھن کے بھی تو یہی ہوگا, اگر یہ دولت چھن گئی, فیکٹری چھن گئی, تو کیا چھنے گی نہیں؟ جو کام تھوڑے دنوں بعد ویسے ہی ہونا ہے تو وہ تھوڑا ایڈوانس میں ہو گیا تو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس سے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ہونا تو بعد میں بھی ہے. بھائی آپ فیکٹری کے مالک ہو, آپ کا چلتا ہوا کاروبار ہے, تو کیا آپ سے پہلے لوگوں کے چلتے ہوئے کاروبار نہیں تھے؟ ہیں بھائی, جن کے چلتے ہوئے کاروبار تھے آج سے 50-100 سال پہلے, کیا آپ وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ان کا کاروبار تو چلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو, لیکن وہ قبر میں لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کہیں گے ہمارے ہاتھ سے ہمارا سارا بزنس نکل گیا, بنیاد کوئی اور رکھتا ہے, کھاتا کوئی اور, اور جو کھا رہا ہوتا ہے اس خوش فہمی ہوتا ہے, دیکھو میرے ابا نے کیسا زبردست کاروبار چلا کے دیا, ابا چلے گئے سارا میرے پاس آ گیا. یہ نہیں پتا ہوتا کہ تو بھی چلا جائے گا, تھوڑے دنوں میں سارا تیری اولاد کے پاس آ جائے گا. جو باتیں آج تو اپنے ابا کے بارے میں کر رہا ہے, وہی باتیں تیرے بچے تیرے بارے میں کل
कर रहे हो, ब्रेकें नहीं है यहां, सब निकल रहे हैं पतली गली से, पतली गली से निकलता हुआ तो फिर भी नजर आ जाता है। मौत का फरिश्ता तो ऐसे निकाल के जाता है कि ये जितने मुर्दे हैं ना जो कब्रों में लेटे हुए हैं, अगर अल्लाह इनको जिंदगी दे और हम इनसे इंटरव्यू ले तो इनमें से 99.99% ये कहेंगे कि हम इस वक्त के लिए पहले से तैयार नहीं थे, जहनी तौर पर तैयार नहीं थे, हमें नहीं पता था इस वक्त मरेंगे, हम ये समझ रहे थे कि अभी मजीद कुछ साल हैं। 99.99% ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि हमें अंदाजा नहीं था कि इस तरह से हम मर जाएंगे। तो इतनी बेसबात जिंदगी है, इतनी बेएतबार जिंदगी है, उसमें अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो कौन सी ऐसा कयामत आ गई भाई, दो रोटी दो पराठे सुबह मिल जाएंगे इंशाल्लाह, क्या ख्याल है? बंद करो फैक्ट्री को, पहले ही बंद कर दो जब इतना दिमाग खराब कर रही है फैक्ट्री। हमारी बुनियादी जरूरत क्या है? सुबह रोटी मिल जाए, क्या ख्याल है? सुबह पेट भर के रोटी मिल जाए ताकि भूख बड़ी खतरनाक चीज है, वो बर्दाश्त नहीं होती, सुबह रोटी मिल जाए और रात को भी पेट भर के, दोपहर आदमी पापों पे गुजारा रात को इसलिए कि फिर नींद नहीं आती ना, इंसान का पेट खाली होता है, रात को पेट भर के रोटी मिल जाए, रोटी इसलिए कि रोटी मिल गई तो बस सब कुछ मिल गया। गंदम की रोटी, मेरा बयान है यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, गंदम में अल्लाह ने दुनिया की हर चीज रखी है, जिसको गंदम की रोटी मिल गई उसमें किसी चीज की कमी नहीं होती। तो रात को वो रोटी मिल गई, सोने के लिए अच्छी जगह मिल जाए जहां नींद आ जाए, मच्छरों से हिफाजत हो, नींद आ जाए आराम से, क्योंकि नींद नहीं आएगी तो सुबह फिर दिमाग खराब होगा। आराम से घोड़े बेच के सो जाए, सुबह अंगड़ाई लेके उठे, मजा ना आए पैसे वापस। अल्लाह का बड़ा फजल है, हमें तो बड़ा मजा आता है जब हम सोते हैं, नींद पूरी होती है, सुबह उठते हैं, क्या मजा आता है खारी साहब, फजर में आता है कि नहीं आता, जैसे दिमाग ताजा होता है। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? सहाबा कराम का तो ऐसी गुर्बत की हालत थी, एक सहाबी की जिंदगी गुजर रही थी एक लंगोट में, ऊपर पहनने का कुर्ता भी नहीं था, उसी में बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहे और शादी भी कर रहे हैं, उसमें सही बुखारी की हदीस है, नबी के पास है मेरी इस खातून से शादी करा दे, तवक्कुल कर रहे हैं कि भाई जो अल्लाह मुझे खिला रहा है तो दो रोटी और दे देगा, अब कमाऊंगा तो इंशाल्लाह जब बीवी आई है तो उसका खर्चा भी। आपको वक्त कम है, मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो अल्लाह दिल से दुनिया की मोहब्बत खत्म करने के लिए पहली चीज क्या है, रोजाना रात को 5 मिनट ये सोचना है, अपने आप से खिताब करना है, भाई तू मरेगा नहीं क्या, ऐसे तू जिंदगी गुजार रहा है जैसे तेरे बाप की जमीन हो, ऐसे अपने आप को भूल दिया कर, तू मरेगा नहीं क्या, और ये 10-20-30 साल भी जब है जब रह लू, वरना मिसालें अपने सामने रखा करें, फला मर गया था 30 साल की उम्र में, फला मर गया 35 साल में, सुबह घर से निकला और ट्रक के नीचे आगे मर गया अटैक। मैंने एक साहब को देखा अच्छे खास 35 साल के, खाना खाया वही गिर गए हार्ट अटैक, कोई अटैक का पहले से कोई रिपोर्ट नहीं थी, कभी दिल में तकलीफ नहीं हुई, पहली तकलीफ पहला अटैक ही जानलेवा साबित हुआ। से बहुत वाकयात है जो हमने अपनी जिंदगी में देखे हैं, एक सेकंड का भरोसा नहीं है इस दुनिया का, और कैसी लंबी लंबी उम्मीदें लगा के, जब है ही मुसाफिर खाना, जब है ही W11 किसी भी वक्त स्टेशन आ सकता है और कंडक्टर W11 से उठा सकता है, तो फिर W11 में गाना जो लगा हुआ है उसमें इतनी दिलचस्पी ली क्यों, जब आपको पता था कि यहां मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा तो फिर इतना ज्यादा मजे क्यों ले रहे हो भाई उस गाने के, इतने ज्यादा क्यों मजे ले रहे हो? तो ये बात बार बार सोचनी चाहिए कि ये जहन में गोश पोश में पेवस्त हो जाए कि भाई रहने की जगह है ही नहीं, मरना है मरना है मरना है मरना है मरना, एकदम से नहीं होगा, 1-1.5 साल के बाद जाके ये आपके दिमाग में ये बात पेवस्त हो जाएगी और आपकी जिंदगी मजे से गुजरना शुरू। दूसरा काम क्या करना है, इस माल को अल्लाह के राह में खर्च करें, और इतना खर्च करें कि दिल थोड़ा सा जले, ये नहीं कि चवन्नी पकड़ा दी वो वाइपर लेके जो होता है ना सिग्नल पे जो शीशा साफ कर रहा होता है गाड़ी का, उसको 5 रुपए दे दिए, उसको 20 का गला बस नोट पकड़ा दिया, इससे काम नहीं चलता, ये भी करें लेकिन इससे मजा नहीं आएगा, समझ में आ रही है बात? मजा जब आएगा, कड़क कड़क गड्डी निकाली किसी मस्जिद में दे दी, मदरसे में दे दी, गरीब को दे दिया,
किसी अच्छे ट्रस्ट में जमा करा दी या अपने सामने गरीबों को खिला दिया, इतना अमाउंट निकले कि अंदर से थोड़ा सा बोलो भाई हिले कि क्या हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं, कि बेहतरीन सदका वो है अंतकूना सहीहन शहीहन, कि तुम सेहतमंद हो, अभी मरने का असबाब की दुनिया में चांस ना हो। बुढ़ापा आ गया, मरने वाला है ना, सेहतमंद है, पता है अभी खाने पीने के मजे, सेहत होती है तो मजे होते हैं ना खाने पीने के। शहीहन, शहीहन का मतलब तबीयत में कंजूसी भी हो, दिल ना चाह रहा हो माल खर्च करने का। तख्शल फकर, और ये भी डर हो कि अगर खर्च कर दिया तो मुस्तकबिल में गुर्बत भी आ सकती है। वतामुरुल गिना, और ये भी है कि अगर खर्च नहीं किया तो इस पैसे से मजीद पैसा भी कमा सकता हूं। ये चार कैफियात हो फिर अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे तो आपने फरमाया सबसे बोलो भाई बेहतरीन सदका है, जो आजकल हम लोगों से होता नहीं। तो ये वाला करेंगे तो ऐसे निकलेगा जैसे खुरच खुरच के ना नोट निकल रहे होंगे। कायदे आजम दिल से, ये जो लोग कहते हैं ना मैं कायदे आजम से बहुत मोहब्बत है, तो ये वो वाले कायदे आजम नहीं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, ये वो कायदे आजम से मोहब्बत है जो 5000 के नोट पे बने होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि कमबख्तो तुम्हें शर्म नहीं आती, इसलिए बनाया था मैंने ये मुल्क, वो हमसे पूछ रहे होते हैं। तो और अल्लाह ने कुरान मजीद में बताया कि जो अपने बतस्बीत अमीन अनफुसिहिम, अपनी इसलाह के लिए अल्लाह के राह में माल खर्च करते हैं अल्लाह उनसे खुश होता है, तो खर्च करना सीखे। कुछ भी नहीं होगा, मरेंगे नहीं इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं मर, सदका करने वाला आज तक नहीं मरा। हां उसका निशान बाकी रह जाता है, उसके असरात बाकी, मरता है तो लोग बहुत मरते हैं उसके पीछे, लोग रोते हैं, कितने लोग हैं जिनके जनाजे उठते हैं तो कितने गरीबों के चूल्हे बंद हो जाते हैं उससे। तो इसलिए खर्च करना सीखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता दिल से दुनिया की मोहब्बत, बोले कोई बात नहीं यार मुझे तो सुबह दो रोटी चाहिए ना, मिल जाएगी, ये फलां फलां को दे दिया तो कुछ नहीं हो रहा, कोई मरा नहीं जाता। शैतान जब आगे कहे ना क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता। शैतान कहेगा ना क्या कर रहा है भाई तू, मौलवी साहब का तूने बयान सुन लिया और तू एकदम से अजीब सा हो गया है भाई। तो शैतान से बोले मरूंगा नहीं, सुबह नाश्ते में अंडा भी मिलेगा इंशाल्लाह और पराठा भी मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो मिलेगा, मक्खन भी मिलेगा, डबल रोटी भी मिलेगी, गैस बिजली का बिल भी इंशाल्लाह आधा, इतना तो जाहिर रखना है बचा के, जो जरूरी खर्चे हैं वो तो अल्लाह ने कहा कि पूरे करो।